के कुंडा में लगातार सत्ता पर काबिज होने वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों निजी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और निजी जीवन की कठिनाइयां अब कोर्ट की चौखट पर न्याय के लिए खड़ी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस साल का सफर अब अलग होगा हम सफर। राजा भैया का पत्नी भानवी से होगा तलाक। राजा भैया ने पत्नी पर लगाए हैं गंभीर आरोप। दिल्ली के साकेत कोर्ट में होगा रिश्ते का फैसला। कहते हैं दुनिया से जीता व्यक्ति अक्सर अपने घर वालों से हार जाता है, ऐसा ही एक मामला इन दिनों सुर्खियों में बन गया है। चर्चाओं ने इसलिए भी जोर पकड़ लिया क्योंकि मामला एक जानी मानी हस्ती से जुड़ा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी के बीच तलाक की चर्चाएं जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि राजा भैया ने पत्नी से तलाक लेने को लेकर दिल्ली के साकेत पारिवारिक न्यायालय कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं खबर यह भी है कि अर्जी करीब 2 साल पहले दी गई थी। दोनों के बीच पिछले कई दिनों से अनबन की खबरें चल रही हैं। हाल ही में भानवी कुमारी ने राजा भैया के करीबी रहे अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद पति और पत्नी के बीच अनबन होने का मामला पहली बार सामने आया था। हालांकि इस मामले में राजा भैया की ओर से आए बयान में यही कहा गया कि विवाद हर घर की कहानी है। अब FIR हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी, कोई चिंता की बात नहीं। किसी कंपनी से कुछ जाली दस्त जहां तक हमारी जानकारी है कोई धोखाधड़ी नहीं, बाकी विवेचना का विषय है, परीक्षा करिए जल्दबाजी में। घर घर की कहानी। अब राजा भैया द्वारा कोर्ट में तलाक लेने की अर्जी देने के चर्चा जोरों पर है। राजा भैया द्वारा अर्जी में पत्नी के खिलाफ परिजनों को अपमानित करने और बच्चों की परवरिश में उदासीनता बरतने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए जाने की बात कही गई है। हालांकि इस मामले में कोई साफ तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। बता दें, राजा भैया का विवाह करीब 27 साल पहले हुआ था। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बड़ी बेटियां और 2 जुड़वा लड़के हैं। कोर्ट में दायर इस तलाक पर सोमवार को दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट के पारिवारिक न्यायालय में सुनवाई होगी।